हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में नोटबुक का पेज क्रिएट करना सीखेंगे एमएस वर्ड में। नोटबुक का पेज डिज़ाइन करना बहुत ही आसान है। अगर आप भी इस टाइप का पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। एमएस वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे। वर्ड टाइप करने के बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे, लेआउट में क्लिक करेंगे, मार्जिन में क्लिक करेंगे, मार्जिन में क्लिक करके कस्टम मार्जिन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो मार्जिन है इसे ज़ीरो करना है। टॉप को ज़ीरो कर देंगे, बॉटम को ज़ीरो करेंगे, लेफ्ट को ज़ीरो करेंगे, राइट को भी ज़ीरो कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे आपको चार बार इंटर प्रेस करना है। इंसर्ट में आ जाएंगे। इंसर्ट में आने के बाद टेबल में क्लिक करेंगे, यहाँ से इंसर्ट टेबल में क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम को 1 करेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ को 22 करेंगे, ओके कर देंगे। यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे, लेआउट में क्लिक करेंगे, हाइट को 0.4 करेंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब इंसर्ट में क्लिक करेंगे, शेप्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे और ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से जो शेप आउटलाइन है इसमें क्लिक करेंगे, रेड कलर को सिलेक्ट कर देंगे। ये जो हम लोग लाइन खींचे हैं इसे सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे तो इसी का एक कॉपी बन जाएगा। अब इसे एरो की मदद से एडजस्ट कर लेंगे, इसको जमा लेंगे अच्छे से, इसे एक और कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, पहले कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, फॉर्मेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ से रोटेट में क्लिक कर देंगे, ये रोटेट हो गया। अब एरो की मदद से इसे ऊपर ले जाएंगे, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देंगे, इसका कॉपी बन जाएगा, इसे भी अच्छे से जमा लेंगे। अब इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, शेप में क्लिक करेंगे, एक राउंडेड सर्कल बनाएंगे, फॉर्मेट टैब में क्लिक करेंगे, शेप फिल में क्लिक करेंगे और इसे नो फिल कर देना है। यहाँ पे जो शेप आउटलाइन है इसमें क्लिक करेंगे और रेड कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। इंसर्ट टैब में आएंगे, शेप में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद फॉर्मेट में क्लिक करेंगे, शेप फिल में आ जाएंगे और इसे नो फिल करेंगे, शेप आउटलाइन में क्लिक करेंगे और इसे नो आउटलाइन करेंगे। अब होम टैब में आ जाएंगे। होम टैब में आने के बाद इसका जो फॉन्ट का कलर है इसे रेड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेट, एंटर कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे पेज, सिलेक्ट कर लेंगे। होम टैब में आ करके यहाँ से जो स्पेसिंग है इसे रिमूव कर देंगे, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, और इसका जो साइज है इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। सो गाइस, फाइनली बन गया। अब इसे सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए फाइल में आ जाएंगे और यहाँ से हम सेव कर सकते हैं, तो सेव में क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपको सेव करना है लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप किस नाम से इसे सेव करना चाहते हैं वो लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ पेज। यहाँ पे सेव एस टाइप है। अगर आप वर्ड फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो इसे डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ही रहने दीजिए। अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर देखिए एरो है, इसमें क्लिक करना और यहाँ से पीडीएफ में क्लिक कर दीजिएगा। पीडीएफ में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में सेव हो जाएगा।